फ्रेंड्स, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यार आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस और वीडियोस कहाँ से लाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए आपके पास डेस्कटॉप होना चाहिए या फिर आप मोबाइल से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च पे जाना है। गूगल सर्च पे उस इमेज को सर्च करना है जिसको आप चाहिए। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर कार, कार सर्च कर लिया। इसके बाद हमको यहाँ पर सिंपली इमेजेस वाले ऑप्शन पे जाना है। इमेजेस वाले ऑप्शन पे जाकर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का, तो हम टूल्स पे क्लिक करेंगे और यूसेज राइट्स पे जाएंगे। यूसेज राइट्स, ठीक है, इस पे गए और हमको ऑप्शन चूज़ करना है लेबल्ड फॉर रीयूज़। ध्यान से सुन लीजिए, लेबल्ड फॉर रीयूज़। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारी इमेजेस आ जाएंगी जो कि दोबारा यूज़ के लिए बनाई गई है, यानी कि इनको आप अपनी वीडियोस में या फिर किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अब हाउस। तो ये वो सारी इमेजेस आ गई है जो आपको आप अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हो, इमेजेस। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन भी आपको मिल रहा है लेबल्ड फॉर रीयूज़। ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से लेबल फॉर यूज़। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में कैसे डाउनलोड करोगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना होगा कॉपीराइट फ्री इमेज, कॉपीराइट फ्री इमेज। और इसके बाद आपको वो लिखना है जिसकी आपको पिक चाहिए। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ एक रैबिट, ठीक है। अब मैं यहाँ इस वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ यहाँ से, नो फिल्टर बाय लाइसेंस। ठीक है, तो ये सारी वो इमेजेस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोस में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको उस इमेज को यूज़ नहीं करना है जिसके ऊपर कोई लोगो आ रहा हो। यहाँ पर कोई लोगो आ रहा हो, फ़ोटो के ऊपर लोगो आ रहा हो, कोई कोई नेम टेक्स्ट वगैरह आ रहा हो, तो उस फ़ोटो को आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस फ़ोन, PHONE, फ़ोन। तो वो आपको, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस लिखकर आपको जो फ़ोटो चाहिए उसका नाम लिख दीजिए सिंपली। तो आपके पास वो सारी इमेजेस आ जाएंगी जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो और आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा, कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगी। आप बेफिक्र होकर वो फ़ोटो को यूज़ कर सकते हो। इसी यही सिंपल मेथड है वीडियो यूज़ करने का। तो इसी तरीके से आप कॉपीराइट फ्री और इमेजेस और वीडियोस को यूज़ कर सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।